सभी को मेरा प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है पेट की गैस से कैसे निजात पाएं। बहुत ही सरल तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, और आप पूरी तरह से अपने गैस से छुटकारा पा सकते हैं। आप 100 ग्राम सफेद जीरा जो आपके घर में मिल जाता है, और 100 ग्राम अजवाइन को हल्का तवे पर रोस्ट कर लें। आप उसको भून लें तवे पर। भूनने के पश्चात इसमें आप लगभग 25 ग्राम सौंठ पाउडर मिक्स करेंगे और 50 ग्राम काला नमक। इन सबको एक जगह मिक्स कर लें, पाउडर फॉर्म में बना लें इसको सबको। एक डब्बे में आप रख लें अपने किचन में ही, या जहाँ आप खाना खाते हैं बैठकर वहाँ रख, डाइनिंग टेबल पर आप इसको रखें। और जब आप खाना खाते हैं, खाने के साथ ही आपको एक चम्मच इस तैयार औषधि का जो पाउडर है उसको लेना है खाने के साथ। गर्म पानी से लें तो बहुत ही अच्छा है। तो आप देखेंगे कि आपको पेट की गैस में बहुत अधिक आराम मिलेगा और एसिडिटी में भी आपको बहुत अधिक आराम मिलेगा। साथ में आप पवन मुक्तासन, योग में पवन मुक्तासन का अभ्यास जरूर करें। पवन मुक्तासन में आप कैसे करेंगे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। पवन मुक्तासन में आप सीधे लेटें, और यदि बैक पेन है तो एक एक पैर से करेंगे। इस प्रकार से पैर को उठाया, दोनों हाथों से अपने घुटने को दबाव दें, पेट को पूरा दबाव दें। यदि बैक पेन है, गर्दन में पेन है तो इस प्रकार से करें। दूसरे पैर से भी इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। पेट पर पूरा दबाव, कॉलन पर पूरा दबाव, श्वास को बाहर छोड़कर। अब यदि बैक पेन नहीं है, गर्दन में पेन नहीं है, तो आप दोनों पैरों को इस प्रकार से ऊपर उठाएं, दोनों नीज को बेंड करते हुए घुटनों को पूरा दबाव दें। अब गर्दन को भी आप ऊपर उठाओ। कुछ समय आपको इसमें रोके रखना है, धीरे से वापस नीचे आ जाए। कम से कम ये 3 से 5 मिनट करना है आपको। कुछ समय होल्ड करके रखें, दोनों घुटनों को दबा कर रखें, तो इससे आपकी जो गैस है वो निकलने लगेगी, अपच वायु का निष्कासन हो जाएगा और आपको राहत मिल जाएगी। सुबह के समय इसको रोज करो। तो इन उपायों को आप अपनाएंगे तो आप पूरी तरह से गैस एसिडिटी से मुक्ति पाएंगे। हम जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें। ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।